नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं आज भिवंडी शहर की एक बड़ी घटना की। घटना वो भी ऐसी कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है, जिसे लोग पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं आज भिवंडी शहर की एक बड़ी घटना की। घटना वो भी ऐसी कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है, जिसे लोग पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। हालांकि अब हमारे यहाँ यानी हमारे देश में करीब 80% पत्रकारिता गोदी मीडिया हो चुकी है। ऐसे में आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका मुख्यालय में एक पत्रकार कक्ष है, रूम नंबर 4, ग्राउंड फ्लोर पर है। इस पत्रकार कक्ष में पत्रकार भिवंडी शहर के रोज़ के समाचार या पत्रकारों का मिलना जुलना यहाँ होते रहता है। और अब आज उन्होंने एक नया काम कर दिया, भिवंडी शहर में पत्रकार कक्ष को PRO यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो होता है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में है, मिलिंद परसुले, इन्हें हुक्म दिया कि पत्रकार कक्ष में ताला मार दो। और बेचारा मिलिंद परसुले क्या करे, जाके ताला मार दिया। अब ये बात जैसे ही पत्रकारों में फैली, भिवंडी पश्चिम के MLA आ गए, उन्होंने दरवाजे को लात मार के तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद उद्धव ठाकरे गट के प्रसाद पाटिल, जो भिवंडी शहर में शिवसेना अध्यक्ष है, वो आ गए, उन्होंने पत्थर ताला तोड़ने की कोशिश की। बहरहाल मिलिंद परसुले ने खुद ही आकर ताला खोल दिया और पत्रकार कक्ष दोबारा पत्रकारों के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद जब पत्रकारों ने महानगर पालिका आयुक्त का घेराव कर लिया, तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया कि मैंने नहीं कहा है, और सारा ठिकरा फूट गया मिलिंद परसुले पर। अब सही मानों में अगर कहूँ तो सही समय पर, सही ठिकाने पर मिलिंद परसुले के सर पर ये मटका फूटा है, क्योंकि ये भी कम भ्रष्टाचारी नहीं है। इनके अब भ्रष्टाचार से बाहर आ जाएंगे, इनका क्या क्या कारनामा है PRO रहते हुए, अब वो सब निकाला जा रहा है। अब आइए सुनते हैं प्रांत कार्यालय पहुंचकर पत्रकारों ने क्या कहा। अब सुनते हैं, अब्दुल गनी खान पत्रकार हैं, उन्हें सुनते हैं। ये पत्रकार कक्ष में ताला नहीं मारा गया है, ये पत्रकारिता पे ताला मारा गया है। ये पत्रकारों को रोकने की कोशिश की गई है, पत्रकारों का अपमान किया गया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरा कहना यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी खामियां को छिपाने के लिए पत्रकारों को वहाँ से हटाना चाहते हैं। जो बदली उद्योग चल रहा है महानगर पालिका में, प्रमोशन उद्योग चल रहा है, वो सब चीज़ को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं कमिश्नर पत्रकारों के ऊपर रोक लगा रहे हैं कि पत्रकार यहाँ ना आए और इसकी जानकारी उनको ना मिलने पाए। उनको डर है कि कहीं ना कहीं पत्रकार जान जाएगा तो हमारे खिलाफ़ छापेगा, तो हमारा यहाँ से तबादला होगा। ये सब गलतियाँ, और इसीलिए आज हमने भिवंडी के सभी पत्रकार मिलकर एक निवारण कीर्ति समिति बनाया गया। सब पत्रकार, सब ग्रुप, जो अलग अलग ग्रुप हैं पत्रकारों के, सब मिलकर एक होकर, और इसके खिलाफ़ आज प्रांत अधिकारी को लेटर दिया गया है। और इस पर अगर 10 दिन में 15 दिन में नहीं सुनवाई होगी तो हम वहाँ धरना मोर्चा भी करेंगे, मंत्रालय भी जाएंगे, इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका जब शुरू हुई, तब से भिवंडी के पत्रकारों के लिए महानगर पालिका में एक महानगर पालिका की तरफ से कक्ष अलर्ट किया गया था, पत्रकार कक्ष। और तब से शहर के तमाम पत्रकार वहाँ बैठकर अपना काम करते थे, न्यूज़ एडिटिंग का, न्यूज़ भेजने का वगैरह। लेकिन आज एक ऐसी घटना घड़ी कि अचानक भिवंडी महानगर पालिका के PRO मिलिंद परसुले, इन्होंने उसे ताला लगा दिया और लोगों को, पत्रकारों को वहाँ बैठने से मना कर दिया। इंक्वायरी करने पता चला कि उन्होंने कहा कि आयुक्त ने टोंडी आदेश दिए थे पत्रकार कक्ष बंद करने के लिए, और ये पत्रकारों के ऊपर अन्याय है। देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार, इसकी उनको जानिम नहीं है, और इसलिए हम उनका निषेध करने के लिए यहाँ पर प्रांत ऑफिस में आए हुए हैं। उनके खिलाफ़ एक पत्र दिया है, निवेदन दिया है, जो मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। हमारी मांग है कि मिलिंद परसुले को त्वरित निलंबित किया जाए और आयुक्तों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। भिवंडी महापालिकेमध्ये जो काय भिवंडी शहराचा
बऱ्या वाईट घटनांचा मागोवा घेणाऱ्या पत्रकारांच्या बसण्यासाठीची व्यवस्था असलेला पत्रकार कक्ष आज महापालिकेच्या प्रशासनानं अचानक कोणती पूर्वकल्पना न देता बंद केला आणि त्यामुळे साहजिकच याचे तीव्र पडसाद भिवंडी शहरात सर्वच पत्रकार मित्रांमध्ये उमटलेले आहेत. सुदैवानं ज्यावेळेस ही घटना त्या ठिकाणी उघडकीस आली त्याच वेळेस भिवंडी शहरातील आमदार महेश चौगुले साहेब तसेच त्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रसाद पाटील त्या ठिकाणी होते. त्यांनीसुद्धा तात्काळ आयुक्तांशी चर्चा केली परंतु त्यांना हे सांगू शकले नाहीत की नक्की कोणी बंद केलं आणि त्यामुळे सगळ्यांच्याच भावना तीव्र होत्या. परंतु त्यानंतर आयुक्तांनी जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पळसुळे यांना ते टाळं उघडायला लावलेलं आहे. परंतु एकूणच जर आपण बघितलं तर शहराच्या सगळ्या काही घटना घेण्यासाठी पत्रकार मंडळी मुख्यालयात येत असतात आणि त्यामुळे मुख्यालयात बसण्याची व्यवस्था असावी. परंतु अचानक जुन्या महापालिका इमारतीमध्ये जी धोकादायक ठरलेली आहे तिथील पोलीस ठाण्याची जी जागा आहे जी आजही स्वच्छता तिथली केलेली नाही, साफसूफ केलेली नाही, साहित्य उचललेलं नाही अशा अडगळीच्या ठिकाणी त्यांनी अचानक तिथे जागा बनवलेली असल्याचं पालिकेच्या पत्रकार कक्षावरील लिहिलेल्या नोटीसीमध्ये होतं. परंतु ही सर्व आदेश जे होते हे तोंडी असल्याचं त्यानंतर समजतं आणि म्हणूनच आम्ही सर्व पत्रकार मित्र या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि संबंधितांची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य कारवाई करावी अशी मुख्यमंत्र्यांकडे आम्ही मागणी करतो. पत्रकारों के साथ में कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने आज दुर्व्यवहार किया है क्योंकि एक जूनी इमारत जिसको धोखादायक घोषित कर दिया गया है उस इमारत में पत्रकारों को बैठने के लिए कक्ष दिया जा रहा है जो कि नई इमारत कहीं ना कहीं हमारे को जो है वहाँ से निकालने की कोशिश की गई. क्या कह रहा है महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार तसेच तत्कालीन आयुक्त अच्युत हंगे तत्कालीन महापौर प्रतिभाताई विलास पाटील यांच्या आदेशानुसार भिवंडी महानगरपालिकेमध्ये पत्रकार कक्ष कार्यरत आहे आणि हा पत्रकार कक्षामध्ये सर्व पत्रकार बांधव आपल्या बातम्या लिहित असतात आणि आपलं सर्व कार्यालयाचं काम करत असतात. असे असताना महानगरपालिकेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी चांगले संबंध असताना कोणतीही माहिती न देता पूर्व सूचना न देता त्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने मनमार्जी करून त्यांनी तो कक्षाला टाळं लावलं, कुलूप लावलं. या घटनेचा आम्ही सर्व भिवंडी पत्रकार संघातर्फे सर्वप्रथम निषेध करतो. याबाबत त्यांना आम्ही चौकशी केली असता त्यांनी आम्हाला सांगितलं तोंडी आदेश दिले होते आयुक्तांनी आणि आयुक्तांनी आम्हाला सांगितलं याबाबत आम्ही काय बोललोच नाही. मग पत्रकार कक्षाला कुलूप लावण्याचं कारण काय? आमच्या मदतीला भिवंडीचे आमदार महेश चौगुले साहेब, शिवसेनेचे शहर प्रमुख श्री प्रसाद पाटील साहेब आणि त्यांचे काही सहकारी धावून आले. आम्ही त्यांचं आभार मानतो आणि हा जो मनमानी कारभार झाला आहे याची मुख्यमंत्र्यांनी आणि आयुक्तांनीसुद्धा सखोल चौकशी करावी. त्याचबरोबर आम्ही मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो की भिवंडीच्या विकास कामं करण्याऐवजी ही अशी गलथान कारभार चालू आहे त्यामुळे आयुक्तांवर त्याचबरोबर जनसंपर्क अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी, त्यांच्या निलंबनाची बडतर्फेची कारवाई व्हावी यासाठी आम्ही उपविभागीय अधिकारी यांना आता सर्व भिवंडीतील समस्त पत्रकार बांधवांच्या वतीने पत्र दिलेले आहे. आइए अब सुनते हैं पंडरीनाथ कुंभार पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कहा. आदेश इस तरह की जो है जनसंपर्क अधिकारी ने वहाँ पर इस बोर्ड लगाया था, क्या कहना चाहिए आज उनके निषेध के लिए आज यहाँ पर. भिवंडी महानगर पालिका ने आज बिना बोले बिना सूचना दिए हुए पत्रकार कक्ष को ताला लगाया, इसका पहले हम निषेध करते हैं. आणि मी मराठीत बोलतो. विषय असा आहे की महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयात पत्रकार कक्ष देण्यात आलेला आहे आणि त्यानुसार हा पत्रकार कक्ष कार्यरत आहे. त्यामुळे हा अचानक बंद करण्याचा किंवा त्याला टाळा लावण्याचा कोणालाही अधिकार नाही आणि हा टाळा लावल्यामुळे त्यांच्या जे टाळा लावण्यामध्ये अधिकारी कार्यरत आहेत त्यांच्यावरती कडक कारवाई व्हावी. त्याचप्रमाणे पत्रकारांवरती जर यापुढे हे पालिकाचे जर अन्याय करत असेल तर आम्ही पत्रकार गप्प बसणार नाही. या पालिकेमध्ये गेल्या अनेक दिवसापासून काही घटना ज्या घडत आहेत त्याकडे खरोखर पत्रकार जे आहे लक्ष देत नाही आहे. का तर काहीतरी पुढे काहीतरी विकासाची कामं होतील परंतु आजच्या मितीला विकासाच्या कामाऐवजी जर पत्रकारांनाच जर
नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न जर कोणी करत असेल तर पत्रकार हा चौथा स्तंभ आहे देशाचा, हा अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे पत्रकारांना वागणूक द्यावी. पत्रकारांचे नियम आणि पत्रकारांचे हक्क याचा अधिकाऱ्यांनी सखोल अभ्यास करावा आणि मग पुढील कारवाई करावी असा आम्ही इशारा देत आहे. आज भिवंडी महापालिका प्रशासन ने जो प्रेस रूम को ताला लगाने का काम किया है ये बात बहुत ही निंदनीय है. हम सब पत्रकार इस महापालिका प्रशासन का, आयुक्त का और जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले, मनपा आयुक्त अजय वैद, इन दोनों का हम आज सभी पत्रकार निषेध करते हैं. आज उन्होंने जो काम किया है वो गलत है और इस बात का हम सब पत्रकार निषेध करते हैं.